बिन रस रसना बखत ही बहुत बातें, प्रेम रस बस पे मौन बरत लीन है। बिन रस रसना जिन्ना चिर रसना नू जुबान नू अमृत रस नहीं आया, बखत ही बहुत बातें, बखत हुंदा बोलना, तो जुबान बहुत बोलती है, तो गल्ला बहुत कर दी, फालतू गल्ला करती रहेगी, बोलती रहेगी, तो प्रेम रस बस पाए, तो जे अमृत रस आ जाए, अमृत फिर वस विच हो जाती है, फिर बोलती नहीं, मौन बरत लीन है, फिर मौन बरत धारण लैंदी है, चुप हो जाती है, जिन्हों अमृत रस नहीं आया बहुत गल्ला करूगा, बहुत गल्ला करूगा, जिन्हों अमृत रस आ गया वह चुप हो जाता है। क्यों? रोटी खाते अपना गल नहीं ना करते, इस तरह जबान अमृत रस आ रहा है तो अमृत रस आ रहा है तो गल नहीं कर सकती, तो जो गल करता भी है तो मन च आएगा तो मेरी सुरती ना टुट जाए, मेरी अमृत रस ही ना टुट जाए, इसलिए वो बोलता बहुत घट आ, जो घट बोलूगा उतों तुम जज कर सकते हो कि भाई इन अमृत रस आ रहा, नाले उन अखा बंद रहनगियां, चुप करके बैठा अमृत रस ले रहा हो, सुरती लगी हो, समाधि लगी होगी, ये निशानी है। प्रेम रस अमृत निधान पान कै मधून, जो आप प्रेम नाल, प्रेम पदार्थ नाम है भाई, प्रेम की है, तो अमृत रस अमृत निधान पान कै मधून, मधून हुंदा मस्त, जो साडा वाहिगुरु नाल प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है तो असी नाम जपते हैं, नाम जपते हैं तो सानू अमृत रस आता है, अमृत रस आता है तो आप उन्हों पीने पान कै मधून, वो एक खजाना है, वह सानू खजाना मिल जाता है, वो पीन नाल बंदा मस्त हो जाता है, बिल्कुल मस्त, तो जो मस्त ही हो गया तो फिर की बोलूगा, बोल नहीं सकता ना, मस्त हो गया, अमृत रस नाल मधोन मस्त हो गया, तो अंतर ध्यान दृग द्वितीया न चीन है, अंतर ध्यान हो जाता, उदा ध्यान सुरती अंदर वाल हो जाती है, फिर तो दृग नेत्र द्वितीया न चीन है, दूजी होर कोई चीज नू पछाणता भी नहीं, देखता भी नहीं, किसी और चीज नू अंतर ध्यान हो गया, अंतर वाहिगुरू आ, वह वाहिगुरू वाल उसकी सुरती जुड़ गई है, ऐसे अखा पहली गल तो अखा मूंदरिया रहिंदियां, दूजी गल जे अखा खोलेगा भी तो किसी होर नू नहीं देखेगा, उदा मन चित नहीं उधर देखेगा, किसी वल ध्यान भी नहीं मारेगा। अमृत रस दा दस्या, अमृत रस बहुत उच्चा है। सो प्रेम नेम, फिर प्रेम, प्रेम नेम सहज समाध अनहद लिव, मैं सहज समाध अके भी कहा, सहज जो बिल्कुल सुन समाध अडोलता, गुरु नानक जो सहज का मतलब ही हर चौथड़ी लाव मन सहज भया, सहज का मतलब गुरु नानक बन गया, सहज का एक गल याद रखो, सहज सुन समाध, सहज समाध, ये समझो गुरु नानक बन गया, गुरु नानक सुभा का बदल जाना, प्रेम, प्रेम में आके नेम नाम की कमाई करता है भाई, सहज समाध प्याडोलता भाई टेक के गुरु नानक बन गया, अनहद लिव उन्हों अंदरों एक रस वाहेगुरु सुन रहा है, अंदरों एक रस वाहेगुरु सुन रहा, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, उसकी सुरती लग गई, अंदरों एक रस वाहेगुरु सुन रहे, तो द्वितीया शब्द सरवणंतर ना कीन है, फिर होर कोई शब्द अपने कन्ना नाल सुनना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि कोई होर मैंने, जब अंदरों कन में वाहेगुरु की आवाज़ अनहद एक रस बगैर बजाया, जब अंदरों कन में वाहेगुरु की आवाज़ ही आ रही वाहेगुरु वाहेगुरु, तो वो कन में होर कोई शब्द किवें सुनेगा, नहीं सुन सकता ना, तो इसलिए द्वितीया शब्द सरवणंतर नकीन है,
तो फिर वह कन नाल किसी होर शब्द नू होर सिमरन नू नहीं सुनता, नहीं सुन सकता, सुन भी नहीं सकता। अंदरों तो वाहगुरु की आवाज़ आ रही है, फिर वाहगुरु का रस बहुत उच्चा है, फिर समाधि लगी हुई है, फिर अंतर ध्यान होया होया तो क्यों किसी का सुने तो असी राधा स्वामिया निरंकारिया वाल जो जानता गंदा बंदा दे तारी गुरु को तुरिया जाता। तो बिसम बधे अस्तरजता की है इस घर में रेंद्या घर तो बिसम बधे अस्तरजता यह हुई है कि शरीर में रेंद्या शरीर तो परे हो जाओ नहीं हो हुंदा, नहीं शरीर में रेंद्या शरीर तो निर्मोह हो जाओ नहीं हो हुंदा, अस्तरजता यह हुई शरीर में रेंद्या शरीर तो परे हो जाओ जग जीवन मुक्त पे। जग मुक्ति की गल जग जीवन मुक्त पे मैं जींदिया ही जग में जींदिया ही मुक्ति मतलब सचखंड चले गए उत्थे जाके देखिया भी हाँ मैं मुक्त हाँ। धर्मराज को गया तो देखा बाकी तो सारे मेरे नाम के साथी लटक रहे हैं, छोलिया वागू भुनी जाता वो मार मार अग ते लटकाए पे। उतों पता लगता मैं जीवन मुक्त हाँ। जीवन मुक्त का किवें पता लगे? सचखंड पहुँच जाओ, धर्मराज मत्था टेकद, जमदूत मत्था टेकद, उतों पता लगता मैं जीवन मुक्ति का भाई मैं जीवन मुक्त हाँ। तो जदों पर कदों बिस्म बधे अश्चर्यता की है शरीर में रेंद्या शरीर तो निर्मोह हो जाओ, वो नहीं होंगे गुरु से बख्शिश तो बगैर की होंगे, शरीर में रेंद्या शरीर तो निर्मोह हो जाओ। तो बिस्म बधे जग जीवन मुक्त पे त्रिपमन ओ त्रिपमन ओ त्रिकाल गमता प्रवीण है। त्रिपमन तीन भवन पताल आकाश धरती ये तीन भवन त्रैकाल त्रैकाल तीन समय का ना है वर्तमान भूत भविख ते वर्तमान तिना कल ये ना है कोई भी समा हो गमता प्रवीण है कहते भी तिना कल तिना भवन जीवन मुक्त है जोड़ा सचखंड चला गया वो तो आप ही जानण के समर्थ हो जाता भाई तिना कल की हो रहा है तो तिना भवन की हो रहा वह जानण के समर्थ हो जाता जब सचखंड ही पहुँच गया तो सचखंड पहुँच गया तो उतों जब तो सह समाधि हो गया तो उतों दिया गल्लां भाई वो आपे ही तिना भवना का तिना कालां का उस जानू हो जाता है जानण दे समर्थ हो जाता है भाई। ये गल साढ़े सिखां विच है नहीं, गुरुद्वारे च सिस्टम है नहीं। गुरुद्वारे तो मैं कई बार क्या सुरती ला के देख लो भाई एक्सपैरीमेंट कर ही लेता साइंसदान एक्सपैरीमेंट करते हैं, तुम भी कर लो सिमरन करी जाओ सारी संगत बैठ के सवेरे चार बजे आ जाओ सूरज चढ़न तक वाहिगुरु बोली जाओ, हफ्ते बाद देखो तुहाडी सुरती लग गई कि नहीं लगी। चैक करो अपने आप नू हफ्ते बाद चैक करो भाई। तो एक गल है भी तो सकल सुगंधता मिलत अरगजा होत कोट अरगजा मिल बिसम सुबास है। अरगजा की होंगे सारिया सुगंधिया कट्ठे कर लो कस्तूरी चंदन केसर कपूर अतर गुलाब के फुल पत्ते अरगजा बन जाता है। सारिया सुगंधिया कट्ठे करके ना एक अरगजा बनता है। तो अरगजा वाहगुरु अगे की चीज़ है बई अरगजा, गुरु साहब अगे की अरगजा चंगी है बई। तो चरण कमल गुरु महिमा गौद बोध गुरसिख मधकर अनभय ब्यास है। यहोजा करोड़ा अरगजे गुरु साहब की बराबरी नहीं कर सकते भाई, यहोजा करोड़ा अरगजे गुरु साहब की बराबरी नहीं कर सकते भाई। वो ध्यान नाल देखो वाहिगुरु समझा दें सारिया सुगंधियां कठिया कर ली है ना, जिन्या भी फुलेल कस्तूरी चंदन केसर कपूर अतर गुलाब दे फुल पत्ते आदि होर भी मुश्कपूर बलाई कुशै सारिया सुगंधियां कट्ठा कर रहे थे एक अरगजा बनता। एक अरगजा सुगंधित पदार्थां दे मेल तो बनिया पदार्थ वह भी सेंट टाइप है अरगजा। कस्तूरी चंदन केसर कपूर आदि सारिया सुगंधियां मिलन नाल अरगजा बनदे। सकल सुगंधित मिलत अरगजा होत कोट अरगजा, पर अजिहे करोड़ा अरगजे मिल के भी
सतगुरु दे चरना कमला दी सुगंधी दे सामने हैरान परेशान हन, भाव कुछ मात्र हन। देखिया जे कोट रगजा मिल बिसम सुबास, तो हैरान सतगुरु दी सुगंधी, सतगुरु तो सतगुरु गुरु नानक दी तगे के सकल अनूप रूप कमला बिखे समात, सकल सारे सकल हुंदा सारा बिसो बिसो अस्तर हैरान। संसार दियां सारियां अलौकिक सुवपन लक्ष्मियां विच समाईयां हुंदी, सकल अनूप रूप कमला लक्ष्मी बिखे समात उहदे विच समाईयां हुंदी। पर गुरु चरणा दे सुंदर प्रकाश नूं वेख के करोड़ा लक्ष्मियां भी चकित्र बिस्मात चकित्र रह जांदियां, हैरान हो जांदियां। कोट कमला प्रकाश कर हिरत हराप हैरान। गुरु नानक पातशाह सर्व निधान मिल परम निधान पए, सारी दुनिया के खजाने मिल जाने, सारी दुनिया के सारे खजाने कट्ठे कर लिए ना, परम निधान पाए तो वड्डा खजाना बन जाता, वड्डा खजाना कोट निधान। पर अजिहे करोड़ा खजानिया का सुख कोट के निधान होए चकित बिलास है, यहोजा करोड़ा खजानिया का गुरु चरणा तो प्राप्त होने वाले महान आत्मक आनंद बराबर सामने डर भोरन, बड़े हैरान हो रहे, हैरान हो रहे। जो आनंद उत्थे चरण कमल गुरु महिमा अगाध बोध, चरण कमल गुरु महिमा अगाध बोध, गुरु सिख मद कर अनपै अभ्यास, अभ्यास कै तो सतगुरु दे चरण कमलों की महिमा समझ सोची तो परे अगाध बोध अकल च नहीं आ सकते। गुरु दे चरणा च अपा नहीं लिख सकते, गुरु के चरण चरण पौली मिलनी है, चरणा ते मत्था टेकना, चरणा की धूल लैनी है, चरणा ही मस्तक न लाना। देखो ना सारिया जो मत्था टेकते हैं गुरु नानक पातशाह हो, जो आप मत्था टेकते हैं तो मस्तक गुरु साहब के चरणा ना ही लाते हैं, तो चरण पौल भी उतो चरणा तो ही मिलती है, तो चरण धूल भी चरणा तो ही मिलती है, सारा कुछ चरणा च ही है। तो उदी महिमा महिमा अगाध बोध अगाध बुद्धि तो परे है, अकल नहीं दस सकती महिमा अगाध बोध। तो गुरसिख मद कर अनपे अभ्यास कह, तो गुरसिख भौरे वांग मद कर मेरे को प्रभु के नाम अभ्यास द्वारा गुरु नानक के चरण कमलों में जुड़ के आनंद माणते। इको गुरसिख ही आ जो उस चरण कमलों का आनंद माण सकता तो जान सकता। देखिए जे सारिया सुगंधियां चरणा के बराबर नहीं, सारी दुनिया की सुंदरता उस चरणा के बराबर नहीं, सारी दुनिया के खजाने उस चरणा के बराबर नहीं, तो गुरसिख लै जाने तो आप गुरसिख नूं समझे ही कुछ नहीं। रतन पारख मिल रतन परीखा होत, रतन पारख मिल रतन परीखा होत, गुरमुख हाट साट रतन बिहार है। रतना दे पारख नूं मिल के ही रतना दी परख हो सकती है, ठीक है। इसे तरह गुरसिख सेवक सतगुरु सराफ दी हट्टी ते नाम रतन दे लैण देण दा व्यापार करता है। गुरसिख हाट साट देखिया जी साठ सौदा लैण देण रतन विहार है, वह रतना दा ही व्यापार करता है। गुरसिख वाहगुरु की गुरु नानक की हट्टी तो रतना दा ही व्यापार करता है, रतन है तो कौडी आ दूजा सारे। सो मानक हीरा अमोल मन मुक्ताहल मुक्ताहल के गाक चाहक लाभ लभत अपार है। सो अमोलक मानक हीरिया मनिया ते मोतियां दा जेड़ा व्यापारी कोई भी जड़ा व्यापारी तो हिरद्यों मनो चाहवान हुंदा है, उही उसते व्यापार तो बेअंत लाभ कटदा है। इसे तरह सच्चे सुच्चे गुरु दे सिख नाम रतन दा सच्चा व्यापार करदे ते जीवन दा लाभ कटदे।
कहक चाहक लाभ लभत अपर। शब्द सुरत अवगाहन बसाहन के, तो शब्द सुरत वाहेगुरु सिमरन में लीन होन नाल अते नाम रूपी शब्द का सौदा वणजन नाल गुरबाणी समझन नाल ते सिमरन में लीन होन नाल तो सतगुरु के दर तो प्रेम नेम निभाउण वाला महान खजाना प्राप्त हो जाता है। शब्द सुरत अवगाहन बेसाहन के, बेसाहन खरीदना अवगाहन डूंगी खोज विचार चुभी मारनी अवगाहन लीन होना। सो परम निदान प्रेम नेम गुरुद्वार है। गुरुद्वारे की है आप यह गल कहने वो भाई गुरुद्वारे की करन जाने तुसी भी कभी खजाना लभ्या। परम निदान प्रेम नेम गुरुद्वार है। तो गुरुद्वारे जाके गुरु के द्वार से जाके इन्होंने सब तो वड्डा महान खजाना प्राप्त हो जाता है। ये आपां नूं भी होया, वो खजाने का पता भी आ, शब्द सुरत का पता, गुरसिख संध मिल संगम समागम कै, गुरसिख तो सतगुरु के सच्चे गुरसिख गुरु नाल मिलाप हो जाता। संध मिल गुरु नाल मिल के गुरसिख का मिलाप सतगुरु सच्चे सिख दे मिल के मिलिया, गुरु प्यारी सतसंगत दे मिलाप द्वारा संगम मिलाप समागम कै, उत्थे समागम हो रहा सी संगत दे मिलाप द्वारा गुरु का सनमुख सिख जिहड़ा माया में उदास भव तरत संसार, बस वो शरीर तो निर्मोह रहिंदा माया विच विचर शरीर विच रहिंदा, शरीर तो निर्मोह है निर्लेप रहिंदा ते संसार सागर तो तर जांदा, बीन सतखंड पहुँच जांदा, जन्म मरण तो रहत हो जांदा। माया में तैनू अगे भी समझाया, माया नोटां दा नां नहीं भाई होई, माया करंसी दा नां नहीं होई, माया डालरां दा ते पाउंडां दा नां नहीं, माया शरीर दा नां है जिहड़ा तुहानूं वाहिगुरु नालों तोड़दा। तो शरीर तो निर्मोह हो जाता, शरीर में रहिंदा होया शरीर तो निर्मोह है, रब शरीर में ही रह रहा, रब की गल की शरीर तो निर्मोह हो जाता। ये किसी किसी को आता निर्मोह, शरीर में रहिंदा देखना, घर में रहिंदा घर तो निर्मोह, घर में रहिंदा वोटी कोल बैठी है अंदरों प्यार ही नहीं, वो बच्चों प्यार ही नहीं, बहुत भैन भरा प्यार ही नहीं, माँ प्यो बहुत प्यार ही नहीं, अंदर प्यार वाहिगुरु नाल बहुत घट औखी है, गल समझ आनी बहुत औखी है, बहुत औखी। तो चरण कमल मकरंद रस लुभत होए, निध कर सहज समाध लिव लागी है। सतगुरु दे सोने कमल चरण कमल जी धूड़ी विच समाया, चरण कमल मकरंद धूड़ी विच समाया, नाम रख दे आनंद विच लुभाया होया, गुरसिख निज आत्म स्वरूप विच टिकिया रहिंदा। निज घर सहज समाध, मैं अगे कह निज घर सहज समाध, गुरु नानक दी समाधि तो सचखंड ही है भाई, बस निज घर सचखंड सहज समाध गुरु नानक वर्गी समाधि लागी है, उहदी तो सचखंड समाधि निज घर विच समाधि लगी पई है, गुरु नानक की समाधि लगी पई है। चरण कमल मकरंद लस लुभत होए, फिर चरणा का भौरा गुरु नानक के चरणा का भौरा लुभत होए उहदे विच ही मगन है। तो गुरमत हृदय जग मग जोत जागी है, तो गुरु की मत लिया हिरदे विच वाहिगुरु का जग मग जोत लाइट ही लाइट प्रकाश जगमग कर रही है, जगमगा रही है, लाइट ही लाइट कर दिती, प्रकाश हो गया, यू आर इनलाइटेड, अंदर प्रकाश हो गया गुरमत होने। पर होया किवें, वह गुरु नानक के चरणा का पौड़ा सी, मकरंद रस लुभत हुए, चरण कमल मकरंद रस लुभत हुए, दसिया जिहड़े उहदे चरणा के भौरे किन्ने गुण आ जाते हैं। पहला की किया, सचखंड पहुँच गया, निज घर चला गया, सहज आ गया, समाधि लग गई। दूजा क्या भी वो अंदर ही प्रकाश हो गया। तीजा चरण कमल मकरंद रस लुभत होए, तो अमृत निदान पान दुरमत भागी है। तो जिहड़ी वो गुरु नानक के चरणों के भौरे आ लुभत होए, फिर अमृत निदान उन्होंने अमृत का खजाना ही अंदरों लभ गया, पान होंगे पीता, दुरमत भागी है। तो भैड़ी मत उन्होंने शरीर त्याग दिता, भैड़ी मत शरीर आ,
बैस भैड़ी मत त्याग दी। चरण कमल मकरंद रस लुभत होए, जिहड़ी उहदे चरणां दे भौरे रब नाल जुड़े, गुरबाणी नाल जुड़े, सारी दिहाड़ी विचार करते सिमरन करते, माया मैं उदास वास बिरले बिरागी है, वह शरीर में रेंदे शरीर वालों, परिवार में रेंदे परिवार वालों, घर में रेंदे घर वालों, उदास विरतक वास बिरलो बिरागी है, वह निर्लेप उस वर्गा होर कोई नहीं, माइक पदार्थों तो निर्मो बिरागी होता भाई, वास बिरला बिरागी बिरलो पर है कहते बिरला उसका वासा वास रहिंदा है बिचे बिरलो बिरलो बिरागी। बड़ा औखी खेड नहीं, मैं कभी नहीं कहा सौखी जा, औखी खेड जैसो नाव डूबत सो जो बचे सो भलो, नाव डूब गई है बेड़ी डुब गई दरिया विच, जेड़ा बचा बचिया वही चंगा ठीक है ना। तो बूट गए पाछे पछतायो रह जात है, नहीं तो डुब जान पिछों पछतावा ही रह जाना, डुब गए तो हाँ डुब जाते तो फिर पाछे पछतावो पछतावा ही रह जाता, जेडे मर गया आप पछतावा ही कर सकते की करते, मर गया तो की करिए, मर गया तो पछतावा ही है। जैसे घर लागो आग जोई बचे सोई भलो, जय बूझे पाछे कछ बसना बसात है। सो जिमें घर नू अग लग जाए तो उस विचो जो बच सके वही चंगा, नहीं तो सड़ के बुझण पिछों कोई चारा नहीं चल सकता, नहीं है ना, जर बूझे पाछे कछ बसना बसात कुछ चारा नहीं चल सकता। जैसे चोर लागे जागे तो जोई रहे सोई भलो, तो सोए रहे रीतो घर देखे उठ प्रात है। सो जिमें चोर दे चोरी कर दिया जाग पईए तो कुछ भी बाकी रह जाए तो चंगा भला, नहीं तो सुते रहे सवेरे जाग के खाली घर ही वेखी जा, खाली घर देखी सुते रहे तो खाली घर ही देखना कोई, हाँ सोए रहे रीतो रात घर देखे उठ प्रात। तो तैसे तैसे अंतकाल गुरु चरण सरने आवे, पावे मोख पदवी नातुर मिलात है। देखिए अजे भी कहते हैं इस तरह जे कोई भुला प्राणी अंत समय भी गुरु चरणा दी सरण आ जाए, अमृत छाके बाणी नाल सिमरन नाल जुड़ जाए, असूलों नाल जुड़ जाए, सतगुरु तो गुरदीख्या प्राप्त कर लैंदा है ते उस संसार तो तर जान वाली पदवी प्राप्त कर लेंदे, नहीं तो रोंदा फुरलांदा ही जमा दे वस पै जांदा। देखिया अजे भी क्या भाई अमृत छक लो, मेरा गुरु नानक तो नहीं माड़ा, उन्हें तो तुहानू जन्म दिता, मेरा गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेसरा साडा माँ प्यो तो असली असली माँ प्यो तो गुरु नानक है, अंदर तो वाहिगुरु ही आ, अंदर तो गुरु नानक ही है, गुरु परमेसर एक है सब मैं रह समाए, अंदर तो गुरु नानक है, तो गुरु नानक का पुत्र गुरु नानक ही आ, नहीं समझ आई तो भाई तो अमृत छक नालों ने जागने। अंतकाल एक करी निगरह कह सती हुए धन धन कहत है सकल संसार जी, जिमें ना स्त्री जीवन के अंत समय एक घड़ी नहीं अपने आप नू काबू करके अपने मरे पति दी बल्दी चिता विच पै के सती हो जाती, अंतकाल एक करी निगरह कै निगरह कै रोकन लई काबू करन लई हठ करन लई सती होए सती हो जाती। तो धन धन कहत है सगल संसार, तो सारा संसार हुण धन कहिंदा पुरानियां रीतां अजकल तो गुरु साहब ने रोक दिता। सो अंतकाल एक घड़ी निगरह कै निगरह कै रोकन लई काबू करन लई, अंतकाल एक घड़ी निगरह कै जोधा जुदे इत उत जत कत होत है जयकार जय जयकार जी। तो जिमें सूरबीर जोधा अंत समय एक घड़ी लई अपने आप ते काबू पा के लड़द्या लड़द्या शहीद हो जाता है, इत्थे उत्थे
जिथे किथे सब थाई उसकी जय जयकार होती। इत उत जत कत होत है जय जयकार जी। तो भाई अंतकाल एक घरी निगरे ते चोर मरे, तो इसे उल्ट तो जिमें चोर घड़ी दी घड़ी नहीं चोरी करन लई हट करदा है निगरे, वह भी सोच के तो फांसी कह सूरी चढ़ाए जग मैं त्रिकार जी। तो इस तरह ही उन्होंने फांसी दिती जाती है तो सूली ते चढ़ दिता जाता है तो सारा संसार फिटकारा पाता है। महा गंदा निकम्मा बंदा सी। तो तैसे दुरमत गुरमत कै असाद साध, तैसे दुरमत गुरमत कै असाद साध, संगत सुभाव गत मानस अवतार। इस तरह खोटी मत दे कारण बुरा बनी दे ते गुरु की मत धारण करतिया भला मनुष्य होईद। तो संगत के वर्ताओ अनुसार ही मनुखा जन्म सफला ते असफला हो जाता। भैड़ी संगत करांगे ते मनुखा जन्म असफल गया, चंगी संगत गुरुद्वारे जावांगे बाणी नाल जुड़ांगे सिमरन करांगे ते जन्म सफला हो जाता। भाई एग्जाम्पल देख लो कितना आदि कह अनाद अर अंत के अनंत अत। आद मुढ़ आरंभ, अनाद आद तो भी पहला, अनंत अंत तो परे, अनंत अत बहुत अपार पार तो परे, अथा जिसकी डूंगाई न जानी जा सके, था डूंगाई का अंत पा सकते, था गल्लां तो बहुत लिखियां जिमें आद करके अविनाशी वाहगुरु आद तो परे है। आद करके आद भी नहीं अनाद तो भी, वो आद तो भी पहला है, सो अंत करके अंत तो परे है, आद तो भी पहला है, आद तो अनाद है, अनाद जो आद नहीं सी उदो भी वाहगुरु हैगा सी, अंत भी हो जाएगा ना तो भी वाहगुरु, अंत तो भी परे हो, अंत भी हो जाए दुनिया खत्म हो जाए तो भी वाहगुरु हैगा। तो उसके दूजे सिरे का पार लभन लई वह अपार है, तो उसकी डंगाई जानने लई वह था है। इं ही ऐसे वाहगुरु जी वांग सतगुरु की वडियाई। आद कै अनाद अर अंत कै अनंत अत, पार के अपार ना अथा अथा पाई है, वो था पाई नहीं जा सकती, वह था है था नहीं पाई जा सकती। मित कै अमित अर संख कै असंख पुन, लेख के लेख नहीं तोल कै तुलाई है। तो जिमें अविनाशी वाहगुरु मिनती वालों अमित है, नापया नहीं जा सकता, गिनती नहीं की जी, गिनती वालों अगेंत है। संख कह असंख पुन, तो लेखिया तो लेख है अथे तोलन तो तुल है। इवें ऐसे वाहगुरु वांग सतगुरु की वडियाई है। कोई आप नहीं समझ सकते, सिख नहीं समझ सकते, अर्ध उर्द पर जंत कह अपार जंत, अगम अगोचर ना मोल कै मलाई है। जिमें वाहगुरु जी दे हेठां उपर दी सीमा जानन लई वो असीम है, सीमा नहीं अपहुंच, इंद्रिया की पकड़ तो परे है अगोचर, अगम अगोचर परे तो परे, उसका मुल नहीं पै सकता। इवें ही वाहगुरु जी वांग सतगुरु की वडियाई है। परमद परम पुत आश्चर्य विषम अत अभिकत गत सतगुरु की बढ़ाई है। अच्छे तरह वाहगुरु परम अद्भुत आश्चर्य अति अचंबा कर देने वाला है। इवें ही अविनाशी वाहगुरु जी वांग गुरु नानक की वडियाई, सतगुरु नानक देखा जाए और देख लिया। मैं किसी ने कहा गुरु नानक करता, कहता किमें समझने ही तैयार नहीं पाई गल समझ। चरण सरन गुरु नानक वाहगुरु आई बारी कह दिना गुरु नानक वाहगुरु आ, गुरु नानक वाहगुरु आ, वाहगुरु गुरु नानक आ, रब का ना ही गुरु नानक, ऐदा कह लो रब का ना गुरु नानक आ, रब का ना गुरु नानक आ। बस चरण सरन गुर तीर्थ पुरब कोट, तो देवी देव सेव गुरु चरण सरन है। कहते करोड़ा तीर्थां दा फल सतगुरु दे चरणा दी ओट लैन विच है, ते करोड़ा देवी देवते दी सेवा दे मातम
सतगुरु के चरण की शरण। देखो चरण शरण गुर तीर्थ पुरब कोट पुरब, गुर तीर्थ चरण शरण गुर तीर्थ पुरब करोड़ा तीर्थ, करोड़ा तीर्थ तीर्थ मेरे गुरु नानक दे चरणा विच ओट लेंदे फिरदे आ, मेरे गुरु नानक दे चरणा दी ओट लेंदे फिरदे आ। सो देवी देव सेव गुरु चरण शरण है, करोड़ा देवी देवत्या दी सेवा दा महत्व है सतगुरु दे चरणा दी शरण। मैं चरण गए चरण मैंने चरणी लग जाना, शरण मैंने असूलां नाल जुड़ जाना। भाई अमृत छक है बाणी नाल जुड़ जाओ, करोड़ा देवी देवत्या दा महत्व ते करोड़ा तीर्थां दा इशनान हो गया अमृत छक। तो चरण शरण गुरु काम न सकल फल, चरण सतगुरु दे चरण शरण विच सब कामना फलदियां फुलदियां भाव प्राप्त हो जांदियां। रिद सिद्ध निद अवतार अमरन है, तो रिधियां सिद्धियां निधियां मूर्तिमान होके सदा लई हाजिर रहिंदियां, हमेशा लई हाजिर रहिंदियां। बिल्कुल अवतार अमरन है, सदा लई मूर्तिमान हो जांदियां सामने अमरन सदीव न सदीव काल ले अमरन। तो चरण शरण गुरु नाम नेह काम धाम, तो सतगुरु दे चरण शरण अमृत छक के असूलां नाल जुड़ जाना, अमृत छक के बाणी नाल जुड़ जाना। चरण शरण लैन वाले लई निष्काम भावना सहित रहदिया नाम सिमरन, निष्काम भावना नाल सिमरन कीता। सो भगत जुगत कर तारण तरन है, तो सारे सुखां दा स्थान ते गुरसिख नाम भगती दी जुगती विच जुट के आप तरदा है, होरना नूं तारन लै वसीला बनदा तारण तरन है। चरण स्वरण गुरु महिमा अगाध बोध, अमृत छक के बाणी नाल जुड़ जाना उहदी मैं कुछ गल कर नहीं सकदा। अमृत छक के वाहिगुरु नाल जुड़ जाना, असूलां नाल जुड़ जाना, गुरु महिमा गुरु की महिमा अगाध बोध अखलों बारी गल होई, कोई बंदा उन्हूं बयान नहीं कर सकता। हरन फरन गत कारण करन है, भाई सतगुरु के चरणा की महिमा अगाध समझ तो परे कोई बंदा दस नहीं सकता। जो जगत के रचनहार प्रभु वांग खोटे कर्मां नूं नाश करन हारी ते शुभ कर्मां नूं दैवी गुणां नूं प्रगटाउण वाली, हरन फरन गत कारण करन है। गुरसिख एक मेक रोम महिमा अनंत अगम अपार, गुरु महिमा निधान है। एक मेक एक मेक एक रूप अनंत बेअंत, तो सतगुरु की सेवा गुरुद्वारे विच सिमरन लंगर की सेवा सिमरन की अटुट कमाई सेवा सिमरन है। मैं कह सेवा तीन आ, सेवा पंजाबी विच गल करांगे, सेवा हाथी सेवा लंगर दी सेवा, सेवा सरनी आ जाना हिंदी विच, सेवा संस्कृत विच सिमरन सिमरन करना सुरती लाउणी। तो सतगुरु दी सेवा विच सिमरन करन विच सिमरन दी नाम कमाई दा सदका, सतगुरु नाल एक रूप होए गुरसिख एक मिक हो गया ना। देखिया सिमरन करन नाल आपां सतगुरु नाल एक मिक गुरु नानक बन जाना है, गुरु नानक वर्गे हो जाना है सिमरन करन नाल। तो गुरसिख एक मिक हो जांदा, उहदी महिमा ही बेअंत है, गुरु महिमा निधान है, उहदी महिमा ही है। अगम अपार गुरु महिमा निधान है। देखो गुरसिख एक में एक रोम महिमा, एक एक रोम दी महिमा बेअंत है, तो फिर अपौंच ते बेअंत वडाई वाला सतगुरु तो महिमा दा भंडार है। जे गुरसिख दी एक रोम दी महिमा बेअंत है अनंत है, तो अगम अपार गुरु महिमा निधान है, तो फिर सतगुरु दी महिमा सतगुरु दी बेअंत वडाई वाला सतगुरु दी महिमा तो फिर भंडार है, निधान खजाना है। गुरसिख एक मेक बोल को ना तोल मोल, तो श्री गुरु शब्द
अगमित ज्ञान निदान है। ते सतगुरु दी हुक्मां दी कमाई करन वाले सतगुरु नाल एकमिक होए, गुरसिख दे बचना दा कोई बोल तोल मोल नहीं हो सकता। तो फिर सतगुरु दा शब्द गुरमंत्र बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे ज्ञान अते ध्यान दी पहुंच तो परे, वह तो पहुंच तो ही परे, पहुंच तो परे। तो गुरसिख एकमेक दृष्ट दृष्ट तारे, श्री गुरु कटाक कृपा को न परमान है। सतगुरु दी दृष्टि सदका सतगुरु नाल एकमेक होए, गुरसिख की दृष्टि जिस प्राणी ते पैंदी है उसनू संसार सागर तो उतार देंदी है। तो फिर सतगुरु की कृपा दृष्टि का कोई अंदाजा तो लाया ही नहीं जा सकता, सतगुरु की दृष्टि का तो अंदाजा ही नहीं लाया जा सकता। तो गुरसिख एकमेक पल संग रंग रस अभिगत गत सतगुरु निर्वाण है। तो नाम कमाई सदका सतगुरु नाल एकमेक होए, गुरसिख की एक पल दी संगत, एक पल दी संगत, एक मेक पल संग रंग रस, एक पल दी संगत खुशी खेड़ा अमृत रस दान कर दी। तो सतगुरु का अविनाशी, गुरु नानक का अविनाशी वाहेगुरु वांग परम आनंद रूप है। मतलब दसिया कि वाहेगुरु की गुरु नानक की थोड़ी जी कृपा नाल गुरसिख की किड्डी महिमा आगात बोध हो जाती है। सतगुरु वही तो फिर महिमा दसी नहीं जा सकती। देखिया जी बरन बरन बहु बरन घटा घमंड, वसुधा विराजमान बरखा आनंद कै, रंगा रंगा दे बरन दे रंग, काश विच भांत भांत दे बहुते रंगा दे बदलां दियां घटां दे इकट्ठ होण ते वरखा होण कार धरती सुभायमान हुंदी। वसुधा विराजमान बरखा आनंद कै, उस सुभायमान हुंदी है ते आनंद मंगला चार छा जांदा है, धरती बहुत खुश हुंदी वरखा ते। मतलब तो बरन बरन होए पर फुलत बनास्पति, बरन बरन फल फूल मूल कंद कै, भाई उस तो उपजे रंगा रंगा फुला फुला ते कंद मूल दे कारण भांत भांत की बनस्पति खिड़दी, बारिश नाल बहुत बूटा हो जांदा है। तो बरन बरन खग बिबद भाखा प्रकाश, तो कुसुम सुगंध पौन गौन सीत मंद कै, सो पौन गौन हवा दा चरण, पौन गौन हवा दा चरण। खग हुंदा पंछी, विभिन्न भाखा कई तरह दियां बोलियां प्रगास प्रटकाउंदे हन, कुसुम फुल। सो फिर फुलां दी सुगंधी ते शीतल मिठी हवा दे चलन सदके, रंगा रंगा दे पंछी आके कई तरह दियां बोलियां दा प्रगटावा करदे हन। तो रवन गवन जल बल त्रिन सोभन, तो सफल होए चरण कमल मकरंद के। तो ये सब कुछ पंछियों का बोलना, शीतल मिठी पौन का चरना, ते जल थल विखे शोभा दे भंडार, बनस्पति आदि दे रंग मानने, सतगुरु दे चरण कमलों की धूड़ी सदका ही। तो सतगुरु दे दरड़ाए शब्द की कमाई कीतियां ही सफल होते। सतगुरु रवन गवन जल थल त्रे त्रिन शोभा निध, सफल होए चरण कमल मकरंद कै। चरण कमल मकरंद, मकरंद होंदा रस। चीटी के उधर बिखे हस्ती समाए कैसे, उतुल अपहार पार भृंगी ना उठावी। चीटी होंदी कीड़ी, उधर होंदा पेट, हस्ती होंदा हाथी, भृंगी एक तरह की तितली है जो कई रंगा दे कीड़िया नू अपने जिया कर लेंदी है, अपने जिया। तो जिमें कीड़ी दे पेट विच हाथी किमें मिट सकता है, समा सकता है? वह कीड़ी दे पेट विच हाथी समा सकता है? नहीं। अतुल अपहार भार भृंगी ना उठावे, ते भृंगी छोटा जिहा कीड़ा है, सो पहाड़ का बेअंत भार नहीं उठा सकता? नहीं। अतुल पहाड़, पहाड़ का पहाड़
भार पिंगी नहीं उठा सकती। नहीं तो मच्छर के डंग ना मर्द है बासक नाग, बासक नाग सप्पा दा राजा शेष नाग। तो जिवें मच्छर दे डंग नाल सप्पा दा राजा शेष नाग नहीं मरदा, नहीं तो मकरी के चीते जीते सर ना पजावे, तो मकरी चीते नू नहीं जीत सकती ते ना ही उसकी बराबरी कर सकती। ठीक है जी। तो तम चर उडत ना पहुंचे आकाश वास, तम चर हनेरे चढ़न वाला पंछी उल्लू, तम चर उडत ना पहुंचे आकाश वास, मूसा तऊ ना पैरत समुंदर पार पावे। सो तिवें उल्लू उड के आकाश ते नहीं पुज सकता, ते चूहा तो समुंदर विच पै के तर के उसके पारले कंढे ते पार नहीं जा सकता, नहीं चूहा मूसा। तैसे प्रेम प्रेम नेम अगम अगाध बोध, तो गुरसिख सागर ज्यों बूंद होए समावे। इस तरह ही भाई प्यारे प्रीतम दी प्रेम दी मर्यादा भी साड़ी समझ सोझी तो परे ते अत गंभीर है। तैसे प्रेम प्रेम नेम अगम अगाध बोध अपहुंचा दा प्यार, इस तरह प्यारे दा प्रीतम दा प्यार दी मर्यादा साड़ी समझ तो सोझी तो परे अत गंभीर है। जिमें समुंदर विच जल्दी बूंद समा जाती है, तिवें ही गुरु दा अनन सेवक सिख जल्दी बूंद हो के अपने प्यारे प्रीतम विच लीन हो जाता है, अंत नहीं पा सकता, लीन हो जाता, अंत नहीं पा सकता। जिमें कीड़ी दे पेट विच हाथी नहीं समा सकता, वो प्रिंगी पहाड़ नहीं चुक सकती, सप्प नूं मच्छर लड़ जाए तो कुछ नहीं हुंदा, मकड़ी चीते का कुछ नहीं कर सकती, तो उल्लू आकाश में उड़ के आकाश की बराबरी नहीं कर सकता, तो चूहा समुंदर नहीं पार कर सकता। इस तरह वाहिगुरु का अंत नहीं पा सकते, असी बूंद होकर गुरसिख गुरु की बख्शिश नाल उहदे विच समा सकते हैं, अंत नहीं पा। शब्द सुरत अवगाहन, अवगाहन डूंगी खोज विचार चूबी लाउणी सिमरन करना लीन हो जाए। तो शब्द सुरत अवगामन कै साध संग, आत्मत रंग गंग सागर लहर है। भाई गुरसिख साध संगत विच मिल के गुरुद्वारे वाहिगुरु सिमरन विच सुरत लीन होण नाल वाहिगुरु ते समुंदर दियां लहरां वांग, समुंदर दियां लहरां वांग आत्मत रंग दे रंग बहिंदे। अगम अगम अथा आ अपा अपर अपार अत, तो रतन प्रकाश नित पूरन गाह गहर है। सो वाहिगुरु रूपी समुंदर साड़ी पहुँच तो परे, उसकी डूंघाई कोई जान नहीं सकता, वो बहुत ही परे तो परे है। नाम सिमरन विच लीन रहन वाला गुरसिख पूरन गहराई वाली अवस्था विच अपहुंचते अथा वाहिगुरु दे सिफ सलाह रूपी रतन भंडारा नूं प्राप्त कर लैंदा है। हंस मर जीवा गुण गाक चाक संत, तो निस दिन कटका महूरत पहर है। तो गुरसिख संत रात दिन निस दिन रात दिन कड़ी मोहत पैर भाव हर वेले कड़ी मोहत पैर हर वेले। हंस ते मरजीवड़े वांग नाम रत्ना दे गुणा दा चाहवान होके इसे व्यापार विच व्यंजन दा गाहक बनिया रहिंदा है। हंस भी हीरे चुकदा, वो मरजीवड़ा भी समुंदर में जाता तो हीरे ले आंदा। इसे तरह असी भी चुभी ला के उहदे चों दैवी गुण लैणे। स्वाति बूंद बरखा ज्यों गवन घटा घमंड, जिवें स्वाति नछत्र विच बूंद है विच बदलां दे जम घटे घुमदे फिरदे बरखा करदे हन, तो स्वाति नछत्र की बूंद समुंदर विच पै सिप विच कीमती मोती बन जाती है। इसे तरह नाम रत्ते गुरसिख दे दसम द्वार विच जद अनहद धुनी दी गूंज पैंदी है, ते अमोलक नाम अमृत रस दी वर्खा हो के ओ नर तो नर हर प्रभु दा रूप हो जांदा है। होत मुकता हल और नर नर हरे है। देखो स्वात बूंद बरखा ज्यों गमन घटा घमंड,
वो तो मुख ताहल और नर नर हर है, वो तो नर तो नर हरि वाहिगुरु बन जाते। जिन हर जपया से हर होए, शब्द सुरत लिव जोत कह दोत पयो। जो तो वाहिगुरु सिमरन में सुरती लाने तो जोत कह दोत पयो, साढ़े अंदर ही जोत का प्रकाश सूरज वांगू प्रकाश हो जाता है, अंदर प्रकाश हो जाता है। तो त्रे पवन और त्रिकाल अंतर दिखाए हैं, तो तिना पवना की सोझी तिने कला की सोझी अंदर ही सोझी आ जाती, अंदर ही आ जाती। शब्द सुरत लिव गुरमत को प्रकाश, तो गुरु की मत लिया सुरती लाया अंदर अभ्यास से प्रकाश अंदर। कत कथा विनोद अलख लिखाए हैं, ओ वाहेगुरु की अकत कथा वाहेगुरु दर्शन दे देता प्रकट, बड़ा आनंदमयी आनंद बच जाता, आनंद ही आनंद है। तो शब्द सुरत लिव निज रहा पार धार, वाहेगुरु सिमरन में सुरती लाने नाल दसम द्वार चों चश्मे वागू अमृत की धार पैंदी है। प्रेम रस रसक होए, अपिए पे आए हैं प्रेमी बन के रस रसक होए, उदा रसिया बन के अपिए ते अमृत छकदा अंदरों अमृत मिलता है, अमृत पे आए हैं। शब्द सुरत लिव सोहंग सो अजपा जाप, सहज सुमाद सुख सागर सुमाए हैं। शब्द सुरत लिव सोहंग, मैं ही वाहिगुरु हूँ सोहंग, मैं ही एक वाहिगुरु, वाहिगुरु नाल एकता। तो शब्द जो तो मैं सिमरन में सुरती लाने तो सोहिंग सो अजपा जाप, मैं ही वाहिगुरु हाँ तो जपा जाप शुरू हो जाता है। तो सहज समाध अगे भी कह सहज समाध गुरु नानक की समाधि, सुख सागर समाए है, सुख सागर समाए है, सुखा ने सागर वाहिगुरु में समा जाए। वो कोई समाया भी आ गुरुद्वारे, वो किसी की सुरती भी लगी कि एवं भाई गुरुदास जी लिखी जाते आद कह ब्याद कह उपाद कह त्रै दोख रुते त्रै दोख होते आद मानसिक रोग चिंता फिक्र ब्याद शरीरक रोग उपाद दैविक रोग कष्ट पश्चाताप त्रिखोद किन्ना तरह के दुख सारे दुखी दुख गुर सिख साध गुर बैद पै लियाए। सो जेडे मानसिक शरीरक ते दैविक तिना किस्मां दे दुख वाले रोगी सन आद के ब्याद के उपाद के त्रै दुख होते रोगी सन, उन्होंने गुरसिख सेवक साधु सतगुरु वैद पास ले आते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी बाबा नानक कीर्ति करता है, अमृत कटाक वेख जन्म मरण मिटे सजोन जम के निवारे अभे पद पाए हैं। वही गल पंडित ने अगे किया बे कोड़ी ना कोड़ी उदो कोड़ी का इलाज नहीं सी हुंदा, अजकल तो हो गया। तो गुरु हर कृष्ण पातशाह बड़े छोटे सन उम्र दे, ते साडा नरादरी करन लई बेइज्जती करन लई कोड़ी नू कहा गुरु बड़ा पूरा ही इनू मत्था टेकदा तेरा कोड़ ठीक हो जाणा। हुण पंडतां दी ते मन विच सी कि ओह कोड़ ठीक नहीं होना ते गुरु साहब दी नरादरी हो जाएगी। पातशाह ने अपना रुमाल देता, उन्हें मत्था टेकिया, पातशाह ने अपना रुमाल देता मैं अपने शरीर ते ला, उन्हें शरीर ते लाया कोड़ ठीक हो गया, सगों इज्जत वध गई सारे पासे। कोई रोगी मेरे वाहेगुरु नजर तक कृपा कठाक थोड़ी जी मेहर तक करे पेख जन्म मरण मेटे, वह जन्म मरण मेटे तो ही दुखा की गल करते हैं। जोन जम भय निवारे, जोन जम भय निवारे अभे पद पाए, वह सतगुरु उन्होंने वाल अपनी अमृत पई दृष्टि करके उन्होंने जन्म मरण का गेड़ मिटा देंदे। जूना में भटकते दे, मौत लिया वाला जम का डर दूर कर दे, इं निरपय पद पा लें रब न जा मिलते हैं। मेरा गुरु नानक एक बारी मेहर की निगाह तो कर देवे, चरण कमल मकरां दे राज लेपन के तो दीखिया सीखिया संजम के औख दिखवाए। तो सतगुरु के चरण कमल में आए गुरसिख अमृत छक के गुरबाणी नाल जुड़ गए, तो उन्होंने चरण धूड़ी राज तो चरण धूड़ी का लेपन बख्श के भाव चरण कमलों का आसरा लैके तो शब्द अभ्यास की देखिया तो आत्म ग्यान की सिक्ख्या दे के
संयम जुक्ति नाल औखद ही खांदा औखद खवाए करम भरम खोए धावत बरज रखे। उन्हां दे करम कांड खत्म हो गए, उन्हां दा भरमां दा जाल खत्म हो गया, विशे विकारां वर दौड़दे मन नूं वस कर रहिंदे हन, धावत बरज रखे। तो निचल मत सुख सहज समाए हैं, उन्हां दा मन टिक गया, सुख सहज आ गया ना, गुरु नानक वर्गे बन गए, सुखां विच समा गए भाई, सुख सहज समाए। बोहित प्रवेश पए निरपै होए पारगरामी, तो बोहित समीप बूढ़ मरत अभागे हैं। बोहित जहाज विच प्रवेश पए बैठ के निरपै डर तो बिना, पारगरामी पार लंघ जाता है, तो समीप नेड़े अभागे मंदभागी खोटे भागा वाले। भाई जहाज विच बह जाइए तो निडर होके समुद्र तो पार हो जान हो जाईदा है, पर जहाज के नेड़े हुंदियां भी मंदभागी डुब मरते, जहाज में चढ़ते नहीं, अमृत ही नहीं छकते, हाँ अमृत ही नहीं छकते, डुब मरते हैं, उत्थे डुब मरते हैं। जहाज हैगा सतगुरु है बोझा, गुरु नानक सचखंड जाणदा, नॉन स्टॉप जहाज आ। चंदन समीप दुर्गंध सो सुगंध होए, दुरंतर तार गंध मारुत न लगे। कहिंदा चंदन दे नेड़े होण वाले अरिंड भी मंदी वाहना वाले ब्रिश सुगंधी वाले हो जाते हैं, पर दूर दुराडे दे ब्रिश नू चंदन दी सुगंधी वाली वाई वा हवा ही नहीं पुजदी, पुज ही नहीं सकती, दूर दुराडे रह गए, गुरुद्वारे नहीं गए, गुरुद्वारे नहीं गए। सेजा संजोग भोग नार गर हार होट, तो पुरख बदेश कुल दीपक न जागे है। तो सेजा ते पति नू मानन लई पतिव्रता स्त्री पति दे गल दा हार हो जाती है, पति नाल चमड़ी रहिंदी, पति नू प्यार करती है, पर जिसका पति छड़ के परदेश चला जाए तो उसदे कुल कुले घर में दीवा भी नहीं जगता, छड़ के चला गया, वो प्यार वाला दीवा नहीं जगता भाई, वो प्यार पतिव्रता की गल की है। तो सीधा संजोग भोग नार गर हार हो गल, वो तो गले का हार बनी रही है, तो जेड़ा पुरख परदेश कुल दीपक न जाए, तो पति छड़ के चला गया। तो फिर तो श्री गुरु कृपा निदान सिमरन ज्ञान ध्यान गुरमुख सुख फल पल अनरागे, ऐसे तरह सतगुरु नू प्रतख निकट कर जानन वाले गुरसिख सिख सेवक वालों कृपा दे भंडार सतगुरु जी दे बख्शे सिमरन उपदेश ते ध्यान नू हर पल प्यार करन नाल, प्रतख मतलब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने प्रतख हाजर नादर गुरु समझो, प्रतख वाहगुरु है, दिसदा वाहगुरु, बोलदा वाहगुरु, सुनदा वाहगुरु, देखदा वाहगुरु, हाजर नादर वाहगुरु, बख्शिश करदा वाहगुरु, करता वाहगुरु, वाह तुम सुख का फल प्राप्त होंगे, प्रतख समझो मेरा पति आ, गल ना लग जाओ, जो अंतर आत्मे सतगुरु की नेड़ता हजूरी नहीं प्रतीत करता वह आत्म सुख भी नहीं प्राप्त कर सकते। देखो ना गल की है, जिहड़ा परदेश उहदा दीवा किवें जगे मन दसो, पति बाहर गया, पति वरता स्त्री है, पति तो बगैर उहदा दीवा किवें जग सकदा, नहीं जग सकदा, उहनूं प्यार कित्थों मिलूगा, तो बाहर गया होया। तो जे सतगुरां नूं अपना पति समझ के गले का हार बना लाँगे, प्यार नाल रहांगे, तो ठीक है, जे नहीं तो फिर परदेश गया ही है भाई, गुरु नानक परदेश गया है। तो चरण कमल को महात्म अगाध बोध, गुरु साहब के चरणों में जाके की मैनू फल मिलेगा, कहता दस नहीं सकते, वडियाई समझ थोजी तो परे है, तेन की मिल जाऊ, अत आश्चर्य में नमो नमो नम है। भाई उन्होंने नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, वाहेगुरु के चरण आओ, कोमल कोमलता और शीतल शीतलता कह, बासना सुबास तास दुतिया न सम है, सो दुनिया भर की कोमलता भी ओ कोमल हन, दुनिया भर की कोमलता भी चरण ओ कोमल हन,
ते शीतलता करके अति शीतल हैं, उन्हां दी सुगंधी दे तुल होर कोई सुगंधी नहीं हैगी गुरु नानक दे चरणा दे बराबर। सहज समाध ने जे आसन सिंघासन देखिए, सहज समाध फिर आ गई ना गुरु नानक दी समाधि, निज आसन सचखंड सिंघासन ते स्वाद बिस्माद रस गमता गम है। गुरु दे सतगुरु दे चरण कमल दा सिंघासन निज आसन पहुंच जाते हैं, उत्थे सचखंड सिंघासन ते बैठे आसन जमा के निज स्वरूप विच पहुंच के समाधि लाई हुई है भाई। सचखंड पहुंच के गुरु नानक दी समाधि आ सीधी गल, सहज समाध गुरु नानक दी समाधि, निज आसन सचखंड सिंघासन उत्थे ही आ जिथे गुरु साहब का प्रकाश आ। स्वाद बिस्माद रस गमता गम भाई, उहदा फिर चरण कमलां दे ध्यान जिहड़ा जुड़ गया नाम सिमरन दे काल कमाई कीती है, वह गुरद नाम सिमरन रस पुंचन का स्वाद अलौकिक जिसका कथन पहुंच तो परे। तो रूप के अनूप रूप मनसा मन मनसा बकत अकथ कथा विनोद विस्मय विसम है। वो भाई ये सुंदरता करके सतगुरु के चरण कमलता की सुंदरता बेमिसाल है, तो उसनों बयान करने लई मन की कामना थक जाती है, बयान नहीं कर सकते, चरण कमल की वड्याई की कथा कथी नहीं जा सकती। ये कौतक हैरान तो हैरान, वो गुरु साहब के चरण चले जाना ना, चरणों में चले जाना, बहुत उच्चिया गल्लां कहिंदे, बहुत उच्चिया। सतगुरु दर्शन शब्द अगाध बोल, हुण गुरु साहब के दर्शन होए आ, हाँ जी वाहिगुरु सिमरन नाल होए आ, हाँ जी उन्हूं अकलों बाहरी गल है। तुसीं मैनूं अपनी अकल नाल दर्शन करके दिखा दिओ, अपनी सियाणप नाल दर्शन करके दिखा दिओ, अपनी पढ़ाई नाल दर्शन करके दिखा दिओ, कोई अकलों बाहरी वाहिगुरु की निरोल मेहर अकलों बाहरी गल अगाध बहुत अभिगत गत नेत नेत नमो, ये अभिगत कहीं नहीं जा सकती, जित बारे बयान नहीं हो सकता कि उन्होंने दर्शन हो गया। नमो नमो नेत 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 है, नमस्कार करो, बेअंत है बेअंत है बेअंत है, नमो नेत दर्श ध्यान अर शब्द ज्ञान लिव। दर्श ध्यान ध्यान सुरती लाई आ, गुरु दे शब्द दे ज्ञान समझ के तो सुरती ला ली आ, वाहिगुरु सिमरन में ते दर्शन हो गया। दर्श ध्यान अर शब्द ज्ञान लिव, तो गुप्त प्रगट नट पूर्ण ब्रह्म है, गुप्त प्रगट वाहिगुरु सानू दिसदा ने नहीं ना दिसदा, नहीं नट मैंने पसारा, तो गुप्त प्रगट वो गुप्त प्रतख दिसदा अपने पसारे विच पूर्ण ब्रह्म है, वो वाहिगुरु सानू पूर्ण ब्रह्म दिसदा, पूर्ण प्रतख गुप्त है हुण प्रगट हो गया। ध्यान तो लाओ निर्गुण सरगुण कुसामली भी सुगंध गत संद, एक औ अनेक रूप गमता गम है, वो निर्गुण ते सरगुण कुसामली फुलां दी क्यारी संत संधि मेर, जदों गुरु साहब नाल मिलाप हो जाता है, जदों एक निर्गुण वाहिगुरु अनेक सरगुण सरूपां विच एक अनेक व्यापक हो रहा है, तो फुलां दी क्यारी विच मिली सुगंधी वां, वह गम वाहिगुरु की गमता नूं महसूस किया जा सकता है, जाणिया जा सकता है, पहुँच हो सकती है। परम अभुत आश्चर्य आश्चर्य में अकथ कथा अलख विस्मय विसम है। तो भाई सतगुरु का दर्शन ते उन्हां दा बख्शिया शब्द उपदेश परम अद्भुत है, आश्चर्य तो भी आश्चर्य है, उसकी कथा नहीं कथी जा सकती, और समझ तो परे है, हैरान तो हैरान कर देने वाली अवस्था है भाई, हैरान तो हैरान कर देने वाली अवस्था। तो सतगुरु दर्श ध्यान ज्ञान अंजन कै मृत सत्रता निवारी पूर्ण ब्रह्म है, सत्रता दुश्मनी कहिंदा सतगुरु दे दर्शन दा ध्यान धरिया ते गुरु ज्ञान दा सुरमा पा के नाम सिमरन दी काल कमाई करन नाल हिरदे विचों मित्रता ते दुश्मनी मिट जांदी है, मित्र सत्रता निवारी पूर्ण ब्रह्म है। जदों ये दोवें मिट गईयां सारे पासे वाहिगुरु ही वाहिगुरु आ, वाहिगुरु ही वाहिगुरु आ, गुर उपदेश प्रवेश आदको आदेश उस्तत निंदा मेट गमता है गम है।
गुरु का उपदेश लै लीए, बाणी नाल जुड़ जाइए, गुरु के शब्द अंदर वसाया, आदि पुरख वाहिगुरु जोहारा नमस्कार ही है, आदि को आदेश नमस्कार नमस्कार उस्तत निंदा, ये दोवें मिट जान मिट जांदियां, अपहुंच वाहिगुरु तक पहुँच हो जाती है, गमता अगम है अगम पहुँच तक पहुँच हो जाती है। तो चरण शरण गहे तावत बरज राखे, चरण शरण गहे सतगुरु को जाके अमृत की दात ले ली तो गुरबाणी नाल जुड़ गए, तावत तो भटकते मन को रोकया जा सकता है, विषय विकारा वाल भटकते मन को रोकया जा, आसा मनसा बखत सफल जन्म है, आसा तो मनसा थक जांदियां हन मुक जांदियां हन, यो मनुखा जन्म सफल हो जाता है। साध संग प्रेम नेम जीवन मुक्त गत, काम ने काम ने कर्म कर्म है। तो साध संगत विच सतगुरु की हजूरी गुरुद्वारे मिल के प्रेम का नेम निभदा है ते जीवन मुक्त गति नूं प्राप्त पाईदा होईदा है। तो संसारक कामनावां वल्लों शांत हो जाईदा है ते निष्काम भावना विच शुभ कर्मा सेवा सिमरन आदि वल लगी जाईदा, निष्काम वल। सतगुरु देव सेव अलख अभेव गत सावधान, साध संग सिमरन मात्र कह, सिमरन मात्र कह। सतपुरखां दी संगत विच सुचेत हो के प्यार नाल प्रकाश रूप सतगुरु दी सेवा ते सिमरन कीतियां अलख ते अभेव वाहिगुरु दी सोझी हो जांदी है। सिमरन तो पतत पनीत रीत पारस करे मनूर, बांस में सो गां सुबास कह, को पात्रे सो पात्र कह। सो पापियां नु पवित्र करन वाली रीति अनुसार सतगुरु सड़े हुए लोहे नु सोने वर्गा बना दिंदे, पारस कर लेंदे, ते बांस वर्गे हंकारी मनुखां नु नाम सिमरन दी सुगंधी दे के खोटे मनुखां नु उत्तम पुरख बना दिंदे। पतत पनीत कर पावन पवित्र किने पारस मनूर बास, बासे ध्रम जात है। तो फिर सतगुरु जिस पापी नु पवित्र करदा है वो आप पवित्र हो के होरना नु भी।